जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना जल्द तरक्की कर चुका है, जिसे देखकर लगता है कि जापान 2021 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। जापान के लोग हर छोटी से छोटी चीज को टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं जापान के ऐसे आविष्कारों के बारे में जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि जापान 2021 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। नंबर एक पर है कलर चेंजिंग क्लोथ। अभी तक आपने स्मार्टफोन और कई स्मार्ट चीजों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जापान के लोग स्मार्ट ड्रेस का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी इस कपड़े के कलर को आप अपने मन चाहे कलर में बदल सकते हैं। यानी जापानीज लोगों को अलग अलग पार्टी के लिए अलग अलग तरह के कपड़े नहीं खरीदने पड़ते। दूसरे नंबर पर है इंटेलिजेंट पार्किंग चेयर। जापानीज लोग अपने ऑफिस में बहुत ही स्मार्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चेयर को यूज करते हैं। ये दुनिया की पहली ऑटोमेटिक चेयर है। इस चेयर के सामने क्लैपिंग यानी ताली बजाते ही ये अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। इस चेयर को इंटेलिजेंट पार्किंग असिस्टेंट पर इंस्पायर होकर बनाया गया है। ये चेयर 360 डिग्री में मूव हो जाता है। ये बहुत ही कंफर्टेबल चेयर भी है। इसे वाईफाई के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर है मोनो रेल ट्रैक फॉर द ट्रेन। ये दुनिया का एक ऐसा ट्रैक है जहां पर एक साथ चार ट्रैक बनाए गए हैं। और ये ट्रैक जब ट्रेन आने वाली होती है तो उसका पता ट्रैक को पहले से ही चल जाता है और ट्रेन के स्टेशन के हिसाब से ट्रैक चेंज होते रहते हैं। इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ट्रैक सेंसर के हिसाब से और ट्रेन की टाइमिंग के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। चौथे नंबर पर है शानन मोनोरेल ट्रेन। ट्रैक के नीचे चलने वाली ट्रेन जिसको शानन मोनोरेल ट्रेन भी कहा जाता है। आपने ट्रैक के ऊपर चलने वाली ट्रेन तो बहुत देखी होंगी, लेकिन जापान में ट्रैक के नीचे भी ट्रेन चलती है। मोनो रेल एक ऐसी ट्रेन है जो कि रेलवे लाइन पर नहीं बल्कि एक बीम के सहारे चलती है और इसके सारे कोच इसी बीम से जुड़े होते हैं। इसका पाथ सड़क मार्ग से लगभग 10 फीट या इससे भी अधिक ऊंचाई पर बनाया जाता है, जिससे कि यात्रियों को ट्रैफिक से बहुत आराम मिलता है। साथ ही यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। पांचवें नंबर पर है टॉयलेट्स इन एलिवेटर। दुनिया भर में ऑफिस बिल्डिंग और होटल रूम में जल्दी पहुंचने के लिए एलिवेटर्स लगे होते हैं, लेकिन जापान के इन एलिवेटर में टॉयलेट की भी सुविधा होती है क्योंकि कभी कभार अचानक बिल्डिंग्स की लाइट चली जाती है। ऐसे में लिफ्ट में फंसे लोगों को परेशानी ना हो इसलिए एलिवेटर में भी टॉयलेट की सुविधा दी गई है। छठे नंबर पर है हाई स्पीड ट्रेन। जापान की हाई स्पीड ट्रेन जिसको मैग्लेव ट्रेन भी कहा जाता है, जो एक बहुत बड़े पैमाने पर चुंबकों की चुंबकीय शक्ति के इस्तेमाल से चलती है, जिसको मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है, और बिना पहियों के चलती है। मैग्लेव ट्रेन को सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी और कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा 2 दिसंबर 2003 को बनाया गया था, जिसकी स्पीड 581 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर आप इस ट्रेन को देखने के लिए खड़े रहेंगे तो जब वह ट्रेन आएगी तो पक्का आप डर जाएंगे, क्योंकि इसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा है। सातवें नंबर पर है ऑटोमेटिक डोर। भारत में रेलवे प्लेटफॉर्म में भीड़ की वजह से हर दिन कई लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, लेकिन जापान में लोगों को दुर्घटना से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिक डोर लगाए जाते हैं, जो ट्रेन के रुकने पर ही खुलता है और ट्रेन के चलते ही ये बंद हो जाता है। इस तरह से हर साल कई लोगों की जान बच जाती है। आठवें नंबर पर है हाईवे थ्रू बिल्डिंग। जापान में एक ऐसा हाईवे है जो बिल्डिंग के बीच से होकर गुजरती है। पहली बार देखने पर आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इस खूबसूरत नजारे को देखकर हर कोई हैरान है। ऐसी अजीबोगरीब चीज आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगी। दरअसल यहाँ एक हाईवे बनना था, लेकिन इस जमीन के मालिक ने सरकार को अपनी जमीन देने से मना कर दिया, जिसके चलते जापानी सरकार को इस बिल्डिंग के 6, 7 और 8वें फ्लोर पर हाईवे बनानी पड़ी। 9वें नंबर पर है प्लास्टिक वेंडिंग मशीन। दुनिया भर में प्लास्टिक की समस्या से हर कोई परेशान है, क्योंकि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता और इसे जलाने पर भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। इसलिए प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए जापान के रेलवे स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन लगाए गए हैं। ये मशीन प्लास्टिक के खाली बोतल के बदले लोगों को पैसा देती है।
जापान के कई मेट्रो स्टेशनों में ये वेंडिंग मशीन लगाए गए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।